वेतन की मांग को लेकर स्कूलों की हजारों मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं ने कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में हाथों में तिरंगा झंडा लेकर रैली निकाली। इंदिरा तिराहे पर चक्का जाम किया और तपतपाती धूप में घंटे भर कलेक्ट्रेट को घेर कर बैठी रही। रैली से पहले दीनदयाल पार्क में ब्रज कुमारी पंद्राम, नीतू सिंह ठाकुर, रेखा उइके, बबली मर्रफा की अध्यक्षता में धरना दिया गया। धरने को कामगार कांग्रेस के ब्लॉक एवं जिला पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुए ऐलान किया कि रसोईया कर्मियों भृत्यों के लिए न्यूनतम वेतन का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक रसोइयों को 9000 रुपए वेतन नहीं मिलने लगते। समूह की अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों को भी निश्चित मानदेय दिया जाना चाहिए। धरने में मध्याह्न भोजन एवं आजीविका मिशन के समूह की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल रहीं। धरने में कामगार कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष द्वारपाल मालवीय, सलीम खान, ब्रज कुमारी पंद्राम एवं राजेश भाटी, महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष अरुणा तिलंते, ब्लॉक अध्यक्ष जिला पदाधिकारी रमन ब्रह्मे, प्रमोद शर्मा, नीतू ठाकुर, नरसिंह साहू, बलवान टीकाम, रोमी यादव, भगत उइके, बालकिशोर बड़कोरिया ने भी संबोधित किया। कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि मध्याह्न भोजन कर्मियों के साथ भाजपा सरकार इसलिए अन्याय करती आ रही है, इनका कोई संगठन नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ एवं लोकप्रिय सांसद माननीय नकुलनाथ के निर्देश पर कामगार कांग्रेस ने इन्हें संगठित कर इनका संगठन बनवा दिया है। अब जिले सहित प्रदेश भर में रसोइयों के सवालों पर संघर्ष होगा जो न्यूनतम वेतन हासिल करने तक जारी रहेगा। अरुणा तिलंते, इन समस्त रसोई बहनों के समर्थन में आज हम लोग यहाँ पर एक ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। हम प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि इस महंगाई के दौर में मात्र 65 रुपए के मानदेय पर ये बहनें हमारी काम करती हैं। 2000 रुपए इन्हें मानदेय दिया जाता है। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि ये दोहरा चेहरा क्यों, कुछ को लाखों रुपए का पेमेंट है और कुछ बहनों को हमारी 65 रुपए में भी गुजारा करना पड़ता है। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि अगर प्रशासन ने इन बहनों की मांग को पूरा नहीं किया, इन्हें कलेक्टर रेट नहीं दिया, तो आगामी समय में हम सड़क जाम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि हम अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम सरकार को प्यार से कहना चाहते हैं कि जो कलेक्टर रेट सभी को मिल रहा है वो इन लोगों को भी दिया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज दौर जहां पर आगे इतना बढ़ चुका है, वहां पर भी ये महिलाएं आज बंधुआ मजदूरों के जैसे काम कर रही हैं। ये सरकार की नाकामयाबी है। धन्यवाद। मैं अरुणा छिंदवाड़ा से बीसीएन न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।